हड़प्पन सिटी धौलावीरा को मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके बाद ये इंडिया की 40th नंबर की साइट बन गई है जिसको ये टैग मिला है। इस लेक्चर में हम धौलावीरा के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम वो सब चीजें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए अब बात करते हैं इस साइट की। ये देखिए, ये है धौलावीरा, आर्कोलॉजिकल साइट है ऑफ हरप्पन एरा सिटी। इसको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग और ये फर्स्ट ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में जिसको ये टैग मिला है। ठीक है, इंडिया से बाहर तो इंडिया में फर्स्ट है जिसको ये टैग मिला है। अब धौलावीरा जो है वो गुजरात की 4th नंबर की साइट बन गई है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, और इंडिया की 40th नंबर की। 39th नंबर की कौन सी है वो भी अभी रिसेंटली की गई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी। अब बात करते हैं, ये जो साइट है ये 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मोहनजोदाड़ो, इसके बाद हड़प्पा पाकिस्तान में, और गानवेरी वाला, ये तीनों पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। ये चार सबसे बड़े शहर रहे हैं आईवीसी के, और 5th नंबर का आता है आपका धौलावीरा। ओके, अब ये जो मेट्रोपोलिस है, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको डिस्कवर किया गया होगा तो किसने डिस्कवर किया है और कब किया है, तो 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी ने इसको डिस्कवर किया था। इसका एक्सकवेशन चला था 1990 से लेकर 2005 के बीच में, जो था आर्कियोलॉजिस्ट रविंद्र सिंह विष्ट की सुपरविजन में। अब ये जो साइट ये जो मिली ये कहाँ पर है, ये धौलावीरा विलेज में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, ये वहां पर है। और इस साइट में काफी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है वहां पे, जो खबीर बेट आइलैंड है वहां पर है धौलावीरा। ये पहले उस टाइम पर नेविगेबल हुआ करता था, यहाँ से शिप्स वगैरह जाते थे, मतलब यहाँ से बिजनेस हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो सी था वो कम होता चला गया, धीरे धीरे कम होता चला गया, और जो कच्छ का रन था वो मड फ्लैट हो गया, यहाँ पे कीचड़ या बोल सकते हो दलदल हो गया, और ये जो समुद्र वाला एरिया था वो खत्म हो गया। उस टाइम पर ये इंडिया से कट भी जाया करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से दलदल हो चुका है, यहाँ पे नमक हो गया है काफी ज्यादा। फ्रॉम 2000 BC धौलावीरा एंटर्ड अ फेज ऑफ सीवियर एरिडिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो यहाँ पे सरस्वती रिवर थी उसमें सूखा पड़ता गया, और इस वजह से धौलावीरा जो था उसमें काफी सूखा पड़ा। सूखा पड़ने से जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। कहाँ चले गए, गंगा वैली जो थी उस पर, और साउथ गुजरात में चले गए, और धीरे धीरे महाराष्ट्र तक चले गए। तो इस कच्छ के रण से गुजरात और महाराष्ट्र और गंगा की तरफ, ठीक है, यूपी वगैरह की तरफ ये लोग माइग्रेट हो गए। ये जो कच्छ का रण है जहाँ पे ये धौलावीरा है, धौलावीरा एक ऐसी जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे कोई ह्यूमन मॉर्टल नहीं मिला है अभी तक, बाकी सब में मिला है, इसमें कोई ह्यूमन मॉर्टल नहीं मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है कि ये जो धौलावीरा है वो और क्या क्या बताता है, क्या क्या चीजें उसमें दिखाती है कि उस टाइम की सभ्यता थी यहाँ पे। तो मेसोपोटामिया की जो रॉयल ग्रेव्स थी, जो हमें कब्र मिली है, उन कब्र में कुछ मोती, कुछ पर्ल्स मिले हैं जो हड़प्पन के लोगों ने बनाए थे, ठीक है, जिनकी हड़प्पन सभ्यता थी उन लोगों ने बनाए थे। और ये इंडिकेट करता है कि जो धौलावीरा थी और जो मेसोपोटामिया था उन दोनों के बीच में क्या ट्रेड हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था। ये एक कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है अबाउट 1500 ईयर्स। जब ये डिक्लाइन हुआ
पूरी तरह से खत्म हो गया 1500 BC में। उससे पहले 1500 साल तक ये कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग हब रहा था और यहाँ से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था, बिजनेस होता था। ट्रेडर्स ऑफ धोलावीरा यूज टू सोर्स कॉपर ओर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, राजस्थान से यहाँ से कॉपर जाता, कॉपर ओर बेसिकली यूज करते थे, ओमान यूएई से ओर यूज करते थे, और उसके फिर कॉपर की चीजें बनाते थे और उनको फिर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से। ठीक है, कॉपर बनाने के सामान, गलाने के सामान यहाँ पे मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि ये यहाँ के जो धोलावीरा के लोग थे वो धातु विज्ञान मेटलर्जी जानते थे। और ये हब रहा है ज्वेलरी बनाने का, ऑफ शेल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक इंगेट, इनकी ये ज्वेलरी बनाते थे और उसको फिर एक्सपोर्ट करते थे। इसका डिक्लाइन जो हुआ है वो कई बार इस तरह से कोइंसाइड करता है विथ डिक्लाइन ऑफ मेसोपोटामिया। इससे पता चलता है कि ये इनके बीच में इकोनॉमी सी उनका इंटीग्रेशन होता था, यहाँ से व्यापार होता था। जब मेसोपोटामिया खत्म हुआ तो यहाँ पे जो हड़प्पन थे उन्होंने ह्यूज मार्केट खो दिया, लोकल माइनिंग जो थी वो अफेक्ट हुई, मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट हुई और एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ, और उस वजह से इनका बिजनेस अफेक्ट हो गया जैसे ही मेसोपोटामिया खत्म हुआ। तो इस तरह से इनका डिक्लाइन भी साथ साथ ही हो गया। अभी किस तरह से बना था तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा, काफी अच्छी तरह से बनाया गया था। इसके साथ में दो रिवर थी, दो साइड में, एक थी मानसर और एक थी मल्हार रिवर। ठीक है, लेकिन ये रिवर में बहुत ज्यादा पानी नहीं था और सूखा होने के बावजूद भी इस जगह में बहुत अच्छी पानी की व्यवस्था की गई थी। ये जो इनका शहर था उसमें एक सिटाडेल था, दुर्ग था, एक मिडिल टाउन था, एक लोअर टाउन था और वॉल्स थी। इस पूरे के पूरे सिटी के चारों तरफ वॉल थी, दुर्ग बनाया हुआ था। ठीक है, वैली थी इसमें, सिटाडेल था, और ये जो पूरे का पूरा ये जो बनाया गया था वो ईट से नहीं बनाया गया था, ब्रिक से नहीं बनाया गया था, वो लाइम स्टोन और सैंड स्टोन बलुआ पत्थर से बनाया था। लाइक अदर हरप्पन सिटीज में ब्रिक से बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे सैंड स्टोन और लाइम स्टोन से बनाया गया था। अच्छा, इसमें जो ब्रिक्स यूज की जाती हैं उनका साइज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इनका साइज काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिंधु ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें ब्रिक्स की साइज क्या है, ठीक है, किस रेशियो में ये साइज है। ओके, फिर यहाँ पे आउट ऑफ फोर्टिफिकेशन था। ठीक है, इसके बाद टू मल्टीपर्पज ग्राउंड्स थे, वन ऑफ विच यूज फॉर फेस्टिविटीज और मार्केट प्लेस, जिसमें 9 गेट्स थे। ठीक है, 9 गेट्स यूनिक डिजाइन के साथ इसमें 9 गेट्स बने हुए थे। यहाँ पे एक मार्केट प्लेस था, मतलब कि दो ग्राउंड थे, बेसिकली एक फेस्टिवल वगैरह के लिए, फेस्टिव सीजन के लिए यूज किया जाता, मार्केट के लिए यूज किया जाता था। लोअर टाउन, मिडिल टाउन पूरा अच्छा व्यवस्थित किया गया था। पानी की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी, काफी अच्छी सुविधा थी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो सिटी था उसमें 9 मीटर का गैप था बाहर। अगर हम सिटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर 1.5 मीटर का गैप था और दो घरों के बीच में 5 मीटर का गैप था, एक लाइन के बीच में 5 मीटर का गैप था। और ये यहाँ पे वाटर रिजर्वियर थे, वाटर यहाँ पे भरा जाता था और एक के बाद एक वाटर इस तरह से ये जो टैंक थे उनमें फिल हो जाता था और इस तरह से प्योर होता जाता था। उसके बाद घरों में एंटर करता था वाटर और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, एक पीने के लिए और एक बाकी सब यूज के लिए पानी होता था, जिससे कि काफी टाइम तक यहाँ पे पानी की स्कैरसिटी नहीं हुई। ओके, तो और ये ढलान थी उसका बहुत अच्छा यूज किया था, इसका मतलब ये लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते थे, तो उस टाइम के लोग ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से यूज करके इन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित सड़कें बनाई थी। ठीक है, घर उस तरह से बनाए थे तो ट्रिग्नोमेट्री जानते थे, वाटर रिजर्वियर बनाया था जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं वो तक यहाँ पे था। तो ये था पूरा आपका इस सिटी के बारे में जो हमने डिस्कस किया, धौलावीरा के बारे में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है, कितना इम्पोर्टेंट है उस टाइम का बताता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में है, तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। प्लस मैं काफी ये चीज नोटिस करती हूँ कि वीडियोस काफी लोग देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। देखिए मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपका भी शो करता है कि लाइक आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।